हेलो फ्रेंड्स, आई एम रोशन झा फ्रॉम सिमसिटी प्रोग्राम यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखने वाले हैं कि बेसिक ट्यूटोरियल में किसी भी नंबर को हम रिवर्स किस तरह करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। दोस्तों, ट्यूटोरियल शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आप न्यू हो या फिर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिएगा, ताकि हमारे जितने लेटेस्ट वीडियोज हो सबका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, यहाँ से क्या करते हैं, ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ओपन हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, किसी भी नंबर को रिवर्स करना है। दोस्तों, इस तरह का स्क्रीन आएगा। अब यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले हमें रेम लेना है। रेम स्टेटमेंट का काम क्या होता है, आप किस कैटेगरी का प्रोग्राम बनाते हैं उसको हेडिंग क्रिएट करना। जैसे यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट रिवर्स ऑफ अ नंबर, ठीक है। यहाँ पे किसी भी नंबर को हमें रिवर्स, ताकि यूजर इजीली जान सके कि किस तरीके किस कैटेगरी का प्रोग्राम है। इसके बाद हम सीएलएस करते हैं, और इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, हम इनपुट लेंगे, एक नंबर इनपुट लेंगे। अगर हम एन करते हैं, इस तरह भी ले सकते हैं। अगर हम F5 करते हैं दोस्तों, तो जैसे आप देख सकते हैं कि 45, ठीक है, तो इस तरह भी ले सकते हैं। या फिर आप यहाँ पे मैसेज जो है यहाँ पे लिख सकते हैं कि इंटर द नंबर, ठीक है, यहाँ पे क्लोज सेमीकोलन, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे डू लूप चलाना होगा। दोस्तों, लूप चलाना होगा, विदाउट लूप इस तरह का प्रोग्राम नहीं बनता है, ठीक है। लूप क्या होता है दोस्तों, तब तक काम करेगा जब तक वहाँ पे कंडीशन ट्रू होता है। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाता है दोस्तों, तो यहाँ पे लूप क्या काम करना छोड़ देता है, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, वो डू लूप देना है, डू व्हाइल यहाँ पे एन इज नॉट इक्वल टू जीरो। तब तक ये लूप काम का काम होगा जब तक आपको n का वैल्यू जीरो इक्वल नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पे थ्री कंडीशंस देना होगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों, r इक्वल टू यहाँ पे n मोड 10। दोस्तों, मोड एक क्या होता है दोस्तों, रिमाइंडर वैल्यू रिटर्न होता है। और यहाँ पे r e v इक्वल टू क्या करेंगे दोस्तों, r e v इंटू 10 प्लस r, 10 प्लस r, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे n इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा तो n इक्वल टू n इंटेजर डिवीजन, ये इंटेजर डिवीजन 10 है, ठीक है। दोस्तों, ये तीन स्टेटमेंट जो है, थ्री लाइंस का स्टेटमेंट दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये समझना होगा कि किस तरह काम होता है यहाँ पे दोस्तों। ये जो थ्री स्टेटमेंट्स है लूप का, ये दोस्तों ये बॉडी सेक्शन को लिखा गया यहाँ पे, थ्री स्टेटमेंट्स है, r इक्वल टू n मोर 10, n इक्वल टू n बाय n इंटेजर डिवीजन 10, r e v इक्वल टू r e v इंटू 10 प्लस r, ठीक है दोस्तों। ये आपको समझना होगा। और यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम प्रिंट कर देते हैं, पी आर आई एन टी प्रिंट, यहाँ पे द रिवर्स ऑफ नंबर इज क्लोज सेमीकोलन, क्या करोगे, क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आर ई भी देना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, फाइनली यहाँ पे इंट करेंगे। दोस्तों, जब भी रन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि 1 2 3 है। अब जब भी इंटर मारेंगे तो 3 2 1 यहाँ पे दोस्तों रिवर्स नंबर हो जाएगा। दोस्तों, अगर इससे हमें समझना है कि एक्सप्लेनेशन क्या होता है दोस्तों, कैसा एक्सप्लेनेशन इसका, देख सकते हैं कि फर्स्ट टाइम में n इक्वल टू 1 2 3, n इज नॉट इक्वल टू 0, तब तक काम होगा जब तक n और 0 दोनों इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये r इक्वल टू n मोर 10 है, 1 2 3 मोर 10 इक्वल टू 3, r इव इक्वल टू r इव इंटू 10 प्लस r इक्वल टू 0 इंटू 3 प्लस r 3, यहाँ पे n इक्वल टू n बाई 10। दोस्तों, ये एक्सप्लेनेशन हमें समझना होगा। और सेकेंड टाइम जब लूप में वर्क होता है, तब आपको n को वैल्यू यहाँ पे 1 to 12 होगा, फिर n इज नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन ट्रू है, तब तक लूप काम होता है, जब तक आपको यहाँ पे क्या होता है, n का वैल्यू जो एक कंडीशन ट्रू होता है, r इक्वल टू n मोर 10, ठीक है, यहाँ पे 12 मोर 10 इक्वल टू 2, r इक्वल टू r इंटू 10 प्लस r, ठीक है, यहाँ पे 3 इंटू 10 प्लस r इक्वल टू 32, n इक्वल टू n इंटेजर डिवीजन। दोस्तों, ये जो है इंटेजर डिवीजन, जो इंटेजर पार्ट रिटर्न होता है, यहाँ पे 12, ठीक है, यहाँ पे ये डिवाइड सेक्शन नहीं, डिवाइड में नहीं है दोस्तों, ये इंटेजर डिवीजन है। और यहाँ पे 1 रिटर्न होगा, और थर्ड टाइम में n इज नॉट इक्वल टू 0, ये भी कंडीशन ट्रू है। और यहाँ पे दोस्तों, r इक्वल टू n मोर 10, 1 मोर 10 इक्वल टू 1, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे r इक्वल टू r इंटू 10 प्लस r, 3 2 1, n इक्वल टू n बाई 10, यहाँ पे 1 आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड टाइम में सॉरी यहाँ पे n इक्वल टू n बाई 10, ठीक है, तो 1 बाई 10 इक्वल टू 0, यहाँ पे 1 बाई 10 होगा यहाँ पे, ठीक है, 1 बाई 10 है। यहाँ पे जो रिटर्न आउटपुट आएगा यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। इसके बाद 0 कंडीशन बिकम्स फॉल्स, तब तक क्या होगा दोस्तों, लूप काम करना छोड़ देगा। अब दोस्तों, जब भी फिर हम एक बार रन करते हैं, तो आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे 6, ठीक है, यहाँ पे इस तरह करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 9876, ठीक है। तो आज का ट्यूटोरियल था जिसमें हमने सीखा कि किसी भी नंबर को हम किसी प्रोग्राम में किस तरह हम रिवर्स करेंगे। इसके साथ साथ आज का ट्यूटोरियल यहाँ पर खत्म होता है। धन्यवाद।